New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter 8, The Lumber Room, written by Hector Hugh Munro, जिसका जो दूसरा नाम है दैट इज साकी, वो साकी के नाम से फेमस है. उन्होंने इन दिस शॉर्ट स्टोरी में अम्यूजिंग यानी जिसको मनोरंजक जो मस्ती वाली जो स्टोरी है उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है निकोलस, विंस अ बैटल ऑफ विट्स फॉट अगेंस्ट हिज एक्सट्रीम बॉसी आंट. वो अपने आंट से, उनकी एक आंटी है जो एकदम बॉसी नेचर की है, जो अपना चलाती है सब कुछ, उसके साथ एक दिमाग की लड़ाई जो है, एक होशियारी की लड़ाई जो है, वो जीत जाता है. और इस चैप्टर में उसी को एक्सप्लेन किया गया है. और हाँ, तो चैप्टर का नेम जो है दैट इज़ लंबर रूम. लंबर रूम यानी एक स्टोरेज रूम, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो एक कबाड़ खाना, जहाँ पे जो कचरा है, जो कभी ज़रूरत पड़ सकती है या बहुत पुरानी चीज़ें हैं जहाँ पे रख दी जाती है, उसे बोलते हैं लंबर रूम. द चिल्ड्रन वर टू बी ड्रिवन एज अ स्पेशल ट्रीट टू द सेंस एट जगबुरा. जो बच्चे हैं उनको अचानक एक ट्रीट मिली, उनको ट्रीट पे ले जाया जा रहा था. कहाँ पे? रेत, जो जगबुरो नाम की एक प्लेस है, जहाँ की रेत पे. निकोलस वॉज नॉट बी ऑफ द पार्टी, ही वॉज इन डिसग्रेस. निकोलस को पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था, वो डिसग्रेस में था, यानी उसने कुछ ऐसा मिसचीफ किया था. वैसे तो डिसग्रेस का मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्ट, लेकिन अगर कोई यहाँ पे अगर उस इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो उसने कोई ऐसी गलती की थी जिसकी उसको सज़ा मिल रही थी. ओनली द मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज्ड टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क ऑन द सीमिंगली फ्रॉवलस ग्राउंड दैट देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट. आज ही सुबह की बात है जब उसने ब्रेड और मिल्क, जो सुबह को उनको मिलता है खाने के लिए, वो खाने के लिए उसने मना कर दिया था, और बिल्कुल झूठ बोल के कि जो खाना है उसमें एक मेंढक है. देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट. ओल्डर एंड वाइजर द बेटर पीपल हैड टोल्ड हिम दैट देयर कुड नॉट पॉसिबल बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क एंड दैट ही वॉज नॉट टू टॉक नॉनसेंस. जो बड़े लोग थे घर के, उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे खाने में फ्रॉग हो ही नहीं सकता, जो ब्रेड और मिल्क है उसमें, और इस तरीके की नॉनसेंस, बिना मतलब की बातें मत करो. ही कंटिन्यू नेवर द लेस टू टॉक वॉट सीम टू बी नॉनसेंस एंड डिस्क्राइब्ड विथ मच डिटेल द कलर एंड मार्किंग्स ऑफ द एलिस्ट फ्रॉग. लेकिन वो अपनी बात पे कंटिन्यू रहा, उसने किसी की बात नहीं सुनी, और वो अपनी बात पे, नॉनसेंस थी भले ही उसकी बात, उसको कायम रहा और उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए फ्रॉग के कलर और उसके मार्किंग के बारे में भी बताने लगा. द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट देयर रियली वॉज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क. लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी निकली कि जो उस इंसिडेंट की ये थी कि सच में उसके ब्रेड और मिल्क में एक फ्रॉग मिला. ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ, उसी ने खुद ने ही उस खाने में उसे मिला दिया था. सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, इसलिए शायद वो सब कुछ जानता था. द सिन ऑफ टेकिंग अ फ्रॉग फ्रॉम द गार्डन एंड पुटिंग इट इन टू अ बाउल ऑफ ब्रेड एंड मिल्क वॉज डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ. ये जो उसने गलती की थी, दिस सिन वैसे पाप होता है पर यहाँ पर गलती, ये जो उसने गलती की थी, जो फ्रॉग वो गार्डन से लेके आया था और उसको बाउल में डाल दिया था, उसको बहुत गहरे में डिस्कस किया गया. बट द फैक्ट दैट स्टूड आउट क्लियरेस्ट इन द होल अफेयर एज इट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द माइंड ऑफ निकोलस. अब जो लेकिन जो फैक्ट सामने आया था वो क्लियर समझ में आ रहा था कि ये सब जो है वो निकोलस की दिमाग की ही उपज है. वॉज दैट द ओल्डर वाइजर एंड द बेटर पीपल हैड बीन प्रूव टू बी प्रोफाउंडली रॉन्ग. और जो निकोलस है वो बड़े लोगों को गलत साबित करने के लिए उसने ये सब किया था. You said there couldn't be possibly a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk. He repeated. उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए बोला कि आप लोगों ने बोला था कि मेरे खाने में
फ्रॉग नहीं हो सकता ब्रेड एंड मिल्क में, पर वहाँ तो फ्रॉग था और इस बात को वो रिपीट करते जा रहा था. ही रिपीटेड विद द इंस्टेंसेस ऑफ अ स्किल्ड टैक्टिशियन हु डज नॉट इंटेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम ए फेवरेबल ग्राउंड. वो इस तरीके से टैक्टिशियन यानी जो अपने दिमाग चला के अलग अलग टेक्स्ट लिखता है, वो जो स्किल्ड आदमी होता है जो हर काम में अपनी टेक्स्ट चलाता है, वो इतना टैक्टिशियन था. हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट फ्रॉम फेवरेबल ग्राउंड. वो अपनी बात को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था. सो हिज बॉय कजन्स गर्ल कजन्स एंड हिज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर वर टू बी टेकन टू जैगबॉर्स सैंड दैट आफ्टरनून एंड ही वॉज टू स्टे एट होम. और इसकी सज़ा ये मिली थी कि अचानक ही उसके जो कज़न्स भाई और बहनें हैं जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे उस सैंड वाली जगह पे जाने के लिए उस आफ्टरनून में, वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ लेके जाया जा रहा था और उसको यानी निकोलस को घर में रहना था. हिज कज़न आंट हु इंसिस्टेड इन स्टाइलिंग हरसेल्फ हिज आंट ऑल्सो हैड हैज़िटली इन्वेंटेड द जैक बोरोज एक्सपीडिशन इन ऑर्डर टू इम्प्रेस ऑन. उसकी जो कज़न आंट थी, उसकी जो एक आंट थी जहाँ हु इंसिस्टेड इन स्टाइलिंग हरसेल्फ यानी जो खुद को आंट कहलाती थी, वो आंट जो है उसने हैज़िटली यानी बहुत जल्दी जल्दी में ये जैक बोर्स की नाम की जगह पर एक्सपीडिशन के लिए जाने की बात कही थी. इसलिए क्योंकि वो निकोलस को समझाना चाहती थी कि उसको निकोलस को जो डिलाइट्स जो मज़े थे उस जगह पर जाने के उनसे उसको दूर रखना चाहती थी. दैट ही हैड जस्टली फोरफिटेड बाय हिज डिसग्रेसफुल कंडक्ट एट द ब्रेकफास्ट टेबल. और निकोलस को ये बताने के लिए कि जो डिलाइट्स जो मज़े वो जाके वहाँ करेंगे उससे वो दूर रहेगा और कंडक्ट जो उसकी ब्रेकफास्ट टेबल पे जो उसने गलत काम किया था उसके लिए उसे सज़ा देने के लिए उसको घर में रखना था और बाकी लोग जो हैं वो जा रहे थे घूमने के लिए. इट वॉज हर हैबिट ये उसकी हैबिट थी. वेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ ए फेस्टिवल नेचर फ्रॉम विच द ऑफेंडर वुड बी रिग्रसली डिबार्ड. यहाँ पे ये था कि जब भी कोई भी चिल्ड्रन जो है कुछ गलत काम करता था टू इम्प्रोवाइज देमसेल्फ उसको सुधारने के लिए एक फेस्टिवल नेचर ऑफ काम किया जाता था और जिसने गुनाह किया रहता था जिसने गलत काम किया रहता था उसको रिग्रसली बार्ड यानी डिबार्ड यानी उसको वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती थी. रिग्रसली डिबार्ड यानी प्रोहिबिट किया जाता था. If all the children sinned collectively, they were suddenly informed of a circus. लेकिन अगर सब चिल्ड्रन ने मिलके अगर collectively कुछ काम किया रहता था तो अचानक ही उनको ये बता दिया जाता था कि उनके शहर में कोई सर्कस है किसी नेबरिंग टाउन में, सर्कस ऑफ द अनरिवल्ड राइवल्ड मैटर या कहीं और कुछ है टू विच बट दे डेप्रेविट यानी अगर उन्होंने ये सब नहीं किया रहता तो उनको वहाँ जाना मिला रहता. दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे यानी उनको ये बताया जाता कि आज उनकी गलत हरकत की वजह से उन्होंने इन्जॉय कुछ नहीं किया है. अ फ्यू डिसेंट टीयर्स वर लुक्ड फॉर ऑन द पार्ट ऑफ निकोलस व्हेन द मोमेंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द एक्सपीडिशन अराइव्ड. जिस वक्त जाने की बात थी उस वक्त निकोलस जो है थोड़ा रोने का बहाना भी करने लगा. A few decent, इसके पहले की दो लाइनें हैं. A few decent tears were looked for on the part of Nicholas when the moment of the departure of the expedition arrived. ये सोचा जा रहा था कि निकोलस जो है वो रोएगा थोड़ा सा, कुछ decent tears, कुछ उदासी कुछ आंसू expect किए जा रहे थे निकोलस से during the time of departure जब हम वो expedition के लिए जा रहे थे. As a matter of fact, लेकिन हुआ क्या? ये हुआ नहीं, निकोलस ने आंसू नहीं बहाए. लेकिन क्या हुआ? ऑल द क्राइंग वॉज डन बाय हिज गर्ल कजन्स. उसकी जो कजन्स है वो कज़न जो थी गर्ल कज़न उसकी बहन जो थी कज़न वो रो रही थी. क्यों? क्योंकि हु स्क्रैप्ड हर नी रेदर पेनफुली अगेंस्ट द स्टेप ऑफ द कैरिएज एज शी वॉज स्क्रैम्बलिंग इन. क्योंकि जो उसकी बहन थी उसके जो नी है उस पर बहुत मार लग गई थी, बहुत ज़्यादा उसको लग गया था जिस टाइम पे वो कैरिएज के साथ वो स्क्रैप ढरनी उसके नी पर चोट लग गई थी अगेंस्ट द स्टेप ऑफ द कैरिएज एक कैरिएज के स्टेप्स पे और जहाँ से वो फिसल गई थी या वो गिर रही थी
उस जगह से. हाउ शी डिड हाउल, सेड निकोलस चेयरफुली. उसने बोला हाउ शी डी डिड हाउ, कैसे हुआ ये उसे, ये निकोलस ने कहा बहुत खुश होके. एज द पार्टी ड्रो ऑफ विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पिरिट्स दैट शुड हैव कैरेक्टराइज्ड इट. उसे लग रहा था कि जो पार्टी जाने का प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पिरिट, या कोई जाएगा भी तो कुछ इच्छा से नहीं होगा. शुड हैव कैरेक्टराइज्ड बाय इट, उसको ऐसे महसूस हो रहा था उसके लगने से हो सकता है ये पार्टी कैंसिल हो जाए. शी विल बी सून गेट ओवर दैट, सेड द सेल्फ स्टाइल्ड आंट. उसका ये दर्द जल्दी से उतर जाएगा, उसकी ये तकलीफ़ जल्दी से उतर जाएगी, ये जो उसकी खुद को जो आंट कहलाती थी, जो बहुत ही बॉसी नेचर की थी, उसने कहा. इट विल बी ग्लोरियस आफ्टरनून फॉर रेसिंग अबाउट ओवर दोज ब्यूटिफुल सैंड. उसने बोला ये जो दिन है वो बहुत अच्छा होगा, ग्लोरियस आफ्टरनून होगी, और रेसिंग करेंगे एक दूसरे के पीछे और बहुत ही अच्छी सैंड पे, रेत पे. हाउ दे विल इन्जॉय देमसेल्व्स, और ये हाउ दे विल इन्जॉय देमसेल्व्स, वो कैसे देख लेना वो इन्जॉय करेंगे. बॉबी वोंट इन्जॉय हिमसेल्फ मच, वोंट रेस मच आइदर, सेड निकोलस विथ अ ग्रिम चकल. अब निकोलस ने उनकी बात का जवाब दिया कि जो आंट ने कहा था कि वो सब इन्जॉय करेंगे, देख लेना क्या तो वो इन्जॉय करते हैं. तो इस पर निकोलस ने कहा कि ग्रिम चक्कल यानी मजाक उड़ाते हुए, ग्रिम चक्कल यानी किसी का जैसे मजाक उड़ाने के सेंटेंस में, या बहुत अजीब से स्माइल के साथ, दैट इज़ उन्होंने यानी शैतानी वाली हंसी के साथ, दैट इज़ अ ग्रिम चक्कल. उसने कहा जो बॉबी है वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा और ना ही ज़्यादा वो रेस में पार्ट कर ले पाएगा. हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम, दे आर टू टाइट, उसके जो जूते हैं वो बहुत टाइट हो चुके हैं और उसे बहुत हर्ट कर रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है उसकी वजह से. Why didn't he tell me they are hurting? asked the aunt. उसने ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि उसके जूते उसको टाइट हो गए हैं. He told you twice, but you weren't listen. उसने आपको दो बार बताया था लेकिन आप किसी की बात सुनती नहीं हो. You often don't listen when we tell you important things. आप ज़्यादा करके कुछ भी हमारी बात नहीं सुनती जब हम कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोलते हैं तो. ये निकोलस ने कहा. जो आंट है उसे अपनी बात, खराब बात सुनी नहीं गई, तो उसने सब्जेक्ट को बदलते हुए कहा, उसने सब्जेक्ट को चेंज किया. उसने बोला यू आर नॉट टू गो इन टू गूसबेरी गार्डन, तुमको गूसबेरी गार्डन में भी जाने की परमिशन नहीं है, तुमको नहीं जाना है. ऐसा बोल के उसने सब्जेक्ट के चेंज किया. व्हाई नॉट, डिमांडेड निकोलस, क्यों नहीं जाना है, निकोलस ने कहा. बिकॉज यू आर इन डिसग्रेस, सेड आंट लॉफ्टीली. आंटी ने बहुत गुस्से में जवाब दिया, बहुत एरोगेंट वे से जवाब दिया, क्योंकि तुमने मिस्टेक की है, तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम इस गार्डन में भी नहीं जाओगे. निकोलस फेल्ट परफेक्टली कैपेबल ऑफ बींग इन डिसग्रेस एंड इन अ गूसबेरी गार्डन एट द सेम मोमेंट. निकोलस उसी वक्त उसको लगने लगा कि निकोलस फेल्ट परफेक्टली कैपेबल ऑफ बींग इन डिसग्रेस एंड इन अ गूसबेरी गार्डन एट द सेम मोमेंट. हिज फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टिनेंसी. ऑब्स्टिनेंसी यानी जिद्दी नेचर, उसके चेहरे पर उसका नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा था, उसका ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो किसी भी तरीके से यानी वो डिसग्रेस में नहीं है, ये अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा था, या वो जानता था कि वो डिसग्रेस में है लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो गूसबेरी गार्डन में ज़रूर जाएगा. ये क्यों था, ये क्या दिख रहा था, ये निकोलस के फेस पे दिख रहा था कि वो कितना ज़िद्दी है, ऑब्स्टिनेंसी है. इट वॉज क्लियर टू हिज आंट दैट ही वॉज डिटर्मिन टू गेट इन टू द गूसबेरी गार्डन. और ये आंट भी उसके अच्छे से जानती थी कि अब उसने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि वो गूसबेरी गार्डन जाएगा. ओनली एज शी रिमार्क्ड टू हर सेल्फ, इसीलिए वो इसलिए नहीं जाएगा कि उसे जाना है, वो इसलिए जाएगा क्योंकि आंट ने उसे बोला है कि नहीं जाओ. बिकॉज आई हैव टोल्ड हिम ही नॉट टू. आंटी मनी मन सोच रही है कि वो इसीलिए जाएगा क्योंकि आंटी ने उसे मना किया था वहाँ जाने के लिए. नाउ द गूसबेरी गार्डन, अब आप पहुँच जाते हैं हम गूसबेरी गार्डन के पास. गूसबेरी गार्डन जो है
उसको दो दरवाजे थे बाय विच इट माइट बी एंटर, जहाँ से एंटर किया जा सकता था. एंड वंस अ स्मॉल पर्सन लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर ही कुड डिसअपियर फ्रॉम व्यू अमिड द मास्किंग ग्रोथ ऑफ द आर्टीचोक्स, रसबेरी, केन्स एंड फ्रूट्स एंड बुशेस. और एक बार उस गार्डन में छोटे से किसी बच्चे जैसा निकोलस है, उसने एंटर कर लिया, तो उसको वापस ढूंढ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था. वो दिखाई नहीं देगा, वो छुप जाएगा. जो ग्रोथ है वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स की, जैसे आर्टीचोक्स है, ये बीट रूट का प्लांट है, एक यूरोपियन प्लांट है, वैसे ही रसबेरी, केन, ये सब फ्रूट्स के प्लांट्स और बुशेस हैं जिसमें वो डिसअपियर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा. द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू दैट आफ्टरनून बट शी स्पेंट एन आर और टू इन द ट्राइबल गार्डन ऑपरेशंस, गार्डनिंग ऑपरेशंस अमंग फ्लावर बैट्स, श्रबेरीज वेंस शी कुड कीप अ वॉचफुल आई ऑन द टू डोर्स दैट लेड टू द फॉरबिडन पैराडाइज. जो आंट है उसको उस दिन बहुत सारे काम करने थे उस आफ्टरनून में, लेकिन उसने उन सब कामों को बाजू छोड़ा और उसने एक घंटा या दो घंटे से भी ज़्यादा टाइम ट्रेवल यानी बिना मतलब के, बिना किसी यूज़फुल काम के, वहाँ पे गार्डन में अनइम्पॉर्टेंट काम के उस गार्डनिंग ऑपरेशंस करना शुरू किया, गार्डन में काम करना शुरू किया, फ्लावर से रिलेटेड, फ्लावर बेड, श्रबेरी से रिलेटेड. वेंस, वेंस यानी यहाँ पे हो जाता है वेंस यानी फ्रॉम विच प्लेस, फ्रॉम विच प्लेस, और ऐसी जगह पे वो काम कर रही थी जिस प्लेस से, वेंस मीन्स फ्रॉम विच प्लेस शी कुड कीप, एक बहुत अच्छी नज़र रख पाए, वॉचफुल आय रख पाए दोनों दरवाज़ों पे, जहाँ से उस रोज़बेरी गार्डन में एंटर किया जा सकता था, जहाँ पे ढूंढने जाने के बाद निकलना या ढूंढना पॉसिबल नहीं था. फॉरबिडन पैराडाइज का मतलब होता है जहाँ पे, फॉरबिडन पैराडाइज ये वर्ड जो है वो एक स्टोरी से लिया गया है कि भगवान ने भी इंसान को कुछ जगहों पे इस दुनिया में आने के बाद जाने के लिए मना किया था, तो दैट इज़ अ फॉरबिडन पैराडाइज, जहाँ पे उसको जाने के लिए मना किया गया है. एक एग्जांपल दिया गया है वहाँ पे कि उस दोनों दरवाज़ों पे नज़र रखने के लिए वो वहाँ खड़ी रही. शी वॉज अ वूमेन ऑफ फ्यू आइडियाज़, वो जो वुमेन थी वो कुछ आइडियाज़ वाली थी, विथ इमेंस पावर, उसे बहुत ताकत थी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हर चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखने का पावर भी उसे बहुत ज़्यादा था. निकोलस मेड वन आर टू ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन, निकोलस जो फ्रंट गार्डन में एक या दो बार गया, ब्रिंगलिंग हिज वे टूवर्ड्स वन आर अदर ऑफ द डोर्स बट नेवर एबल फॉर अ मोमेंट टू इवेट द आंट्स वॉचफुल आई. ब्रिंगलिंग यानी बेचैन होके वो रास्ता ढूंढ रहा था, ब्रिंगलिंग यानी परेशान होके बेचैन होके वो दोनों दरवाजों में से किसी न किसी एक दरवाजे में से अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, पर वो कभी भी उस आंट की जो वॉचफुल आईज हैं उससे बच नहीं पाया. आंट जो है वो ढूंढ पकड़ ही ले रही थी उसे, वो नहीं जा पा रहा था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू गेट इन टू द गूसबेरी गार्डन बट इट वॉज extremely convenient for him that his aunt should believe that he had. It was a belief that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. अगर असलियत में बोला जाए तो क्या था, as a matter of fact उसके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो गूसबेरी गार्डन में इंटर करे, उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था, पर वो दरवाजे के पास क्यों जा रहा था, क्योंकि, और अगर वो चाहता कि वो जाए तो उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट था कि वो गार्डन में घुस जाए और उसे आंट देख भी न पाए, लेकिन वो गार्डन के आसपास घूम रहा था, क्यों, जैसे आंट को बिल्कुल बिलीव हो जाए कि वो जाने की कोशिश कर रहा है. ये जो बिलीफ है, इट वॉज़ अ बिलीफ, उसकी वजह से ही जो उसकी आंट है, दैट विड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज, वो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी एक चौकीदार बन के, चौकीदार की ड्यूटी दे के, सेंट्री ड्यूटी मतलब चौकीदार की ड्यूटी दे के फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून, वो पूरा दिन वहीं पे ही गार्डन के आसपास बिता देगी. हैविंग थरोली कन्फर्म्ड एंड फोर्टिफाइड हर सस्पिशन, हैविंग थरोली कन्फर्म्ड एंड फोर्टिफाइड हर सस्पिशन निकोलस स्लिप्ड बैक इनटू द हाउस
and rapidly put into execution a plan of action that had long germinated in his brain. उसके शक को मजबूत करके बहुत बार वहाँ जाके उस आंट के शक को सस्पिशन मीन्स शक को कि वो अंदर घुसना चाहता है ये मजबूत करके निकोलस जो है वो वहाँ से गायब हो गया, स्लिप्ड बैक. गायब होकर कहाँ चला गया? घर के अंदर. क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में पहले ही एक प्लान बना के रखा था जो बहुत दिनों से ही उसके दिमाग में चल रहा था. जर्मिनेटेड इन हिज ब्रेन यानी उसके प्लान दिमाग में पहले ही पैदा हो चुका था, ग्रो हो चुका था. उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए यानी एक्चुअली उसको अप्लाई करने के लिए. बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर इन द लाइब्रेरी, वो अपनी लाइब्रेरी में चला गया. वहाँ पे एक चेयर थी, जाके वहाँ पे वो खड़ा हो गया. ही वन कुड रीच अ शेल्फ, और वहाँ खड़े होकर वो एक शेल्फ के पास पहुँच गया जिसके ऊपर एक फैट बहुत मोटी सी और इम्पॉर्टेंट चाबी पड़ी थी, इम्पॉर्टेंट की दिखाई दे रही थी. द की वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज इट लुक्ड, उसको देखने से ही समझ में आता था ये जो की है किसी इम्पॉर्टेंट जगह की है. इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट विच कैप द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबार रूम सिक्योर, ये एक ऐसा तरीका था, ऐसी चाबी थी जिसकी वजह से जो उनके घर का स्टोर रूम था या जो कबाड़ खाना था, जो लंबार रूम था, उसकी मिस्ट्री को बरकरार रखा गया था. विच ओपेंड अ वे ओनली फॉर द आंट, और वहाँ से सिर्फ आंट ही उसमें जा सकती थी. एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सन, या आंट या कुछ उसके जैसे ही लोग जिसको बहुत होशियार समझा जाता था ऐसे लोग ही वहाँ जा सकते थे. द की टर्न स्टिफली इन द लॉक, की को लगाया गया लॉक में, बट इट टर्न उसमें उस टर्न हो गई, की से वो ताला खुल गया. द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल चुका था. एंड निकोलस वॉज इन एन अननोन लैंड, निकोलस एक ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहां तक आज तक वो कभी नहीं गए थे. कंपेयर्ड विथ विच द गूसबेरी गार्डन वॉज अ स्टेल डिलाइट, और इस जगह से कंपैरिजन में गूसबेरी गार्डन की कोई वैल्यू नहीं थी उसके लिए, ये जगह इतनी मज़ेदार जगह थी. ऑफन एंड ऑफन निकोलस हैड पिक्चर्ड हिमसेल्फ वॉट द लंबर रूम माइट बी लाइक, दैट रीजन दैट वॉज सो केयरफुली सील्ड फ्रॉम यूथफुल आईज एंड कंसर्निंग विच नो क्वेश्चन वर एवर आंसर्ड. हमेशा ही निकोलस के दिमाग में अलग अलग टाइप की पिक्चर्स आती थी कि लंबा रूम में क्या होगा, और वो ऐसा रीज़न था जिसको केयरफुली सील किया गया था, प्रॉपरली बंद कर दिया गया था जैसे कि वो बच्चों की नज़र में ना आए, और उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता तो कोई उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था. इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, और वो उसके एक्सपेक्टेशन पे एकदम वो जो चाहता था ये हो गया, जो वो चाहता था वो उसने किया. इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज लार्ज एंड डिमली लिट, पहली जगह जब अंदर एंटर किया तो वो बहुत बड़ा सा रूम था और रोशनी भी बहुत कम थी. वन हाई विंडो ओपनिंग ऑन टू द फोरबिडन गार्डन बींग इट्स ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, उस रूम में रोशनी आने की सिर्फ एक ही विंडो थी, एक ही ओपनिंग थी, जो वो जो फोरबिडन गार्डन था जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था वहाँ से एक थोड़ी सी रोशनी इस रूम में आ रही थी. इन द सेकेंड प्लेस, सेकेंड जगह पे गया तो इट वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन्ड ट्रेजर, और वो एक ऐसी जगह थी जो उसने कभी इमेजिन नहीं की थी, ऐसा खजाने का स्टोर हाउस था, ऐसी चीज़ें उसमें भरी हुई थी. द आंट बाय असर्शन, जो आंट खुद को आंट कहलाती थी, द आंट बाय असर्शन जो आदमी खुद को कहलाता है, वॉज वन ऑफ दोज पर्सन हु थिंक दैट द थिंग्स स्पॉइल्ड बाय यूज, वो एक ऐसी लेडी थी जो ये सोचती थी कि चीज़ें जो होती है ख़राब हो जाती है यूज़ करने से. कंसाइन देम टू डस्ट, भले उसको यूज़ मत करो, भले उसके ऊपर डस्ट ही क्यों ना आ जाए. एंड डैम्प बाय द वे ऑफ प्रिजर्विंग देम, और रख रख के उसको प्रिजर्व करके उसको रखो, ये उसकी सोच थी. द हाउस वॉज रेदर बेयर एंड चेयरलेस, जो हाउस था एकदम बिना खुशी वाला, बहुत एकदम खालीपन था. बट हेयर देयर वर, घर में कुछ नहीं था बट यहाँ पे जो चीज़ें थी वो काफ़ी वंडरफुल थिंग्स थी फॉर द आई टू फीस्ट इन, यानी ऐसी जगह थी जिसको देख के ही एकदम खुशी महसूस हो, एकदम पार्टी जैसा महसूस हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वॉज अ पीस ऑफ द फ्रेम्ड टैपेस्ट्री दैट वॉज एविडेंटली मेंट टू बी अ फायर स्क्रीन,
पहली तो चीज़ उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो एक पीस सीनरी का था जो कि थ्रेड और धागों से बना हुआ था। टेपेस्ट्री का मतलब होता है एक थिक टेक्सटाइल से बना हुआ, वीव किया हुआ, कलरफुल थ्रेड से बना हुआ, एक वॉल हैंगिंग दीवार पे लगी हुई एक सीनरी के जैसा। दैट वॉज एविडेंटली मेंट, वो इस तरीके से बनाया गया था टू बी अ फायर स्क्रीन, एक स्क्रीन के जैसे। टू निकोलस इट वॉज अ लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी, वो इतना सुंदर था कि लग रहा था उसके अंदर जो लोग हैं वो जिंदा हैं और एक जिंदा स्टोरी उसे महसूस हो रही थी। ही सेट डाउन ऑन अ रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग्स, वो एक जगह पे बैठ गया, ग्लोइंग इन अ वंडरफुल कलर्स बीनीथ अ लेयर ऑफ डस्ट, और वहाँ पे लेयर ऑफ डस्ट के नीचे जो चीज़ें हैं उनको देखने लगा एंड टुक इन एंड टुक इन ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेपेस्ट्री पिक्चर, और उसको पिक्चर को बहुत अच्छे से निहारने लगा, देखने लगा। वहाँ उस पिक्चर में उसने क्या देखा, अ मैन ड्रेस्ड इन हिज हंटिंग कॉस्ट्यूम ऑफ सम रिमोट पीरियड, एक आदमी था जिसने जो कपड़े पहने थे वो शिकारी के कपड़े पहने थे और वो एक किसी बहुत पुराने पीरियड का दिख रहा था, रिमोट टाइम का दिख रहा था। हैड जस्ट शॉट अ स्टैग विथ एन एरो, उसने अपने तीर कमान से एक हिरन को या बारासिंगा जिसको बोलते हैं उसको मार गिराया था। इट कुड नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट शॉट, और उसके लिए इसको मारना काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बिकॉज द स्टैग वॉज ओनली वन आर टू पेसेस अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि वो जो हिरन था उससे ज़्यादा दूर नहीं था। इन द थिकली ग्रोइंग वेजिटेशन दैट द पिक्चर सजेस्टेड इट वुड नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट टू क्रीप अप टू अ फीडिंग स्टैग एंड द टू स्पॉटेड डॉग्स दैट वर स्प्रिंगिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन इन द चेस had evidently been trained to keep to heel till the arrow was discharged. वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, एकदम thickly बहुत ज़्यादा growing vegetations थे, चीज़ें थी, that the picture उसमें picture में दिखाई दे रही थी, यानी काफ़ी घना जंगल था। would not have been difficult to creep up a feeding stag, बिल्कुल difficult नहीं लग रहा था कि उस खाते हुए किसी हिरन को वहाँ मारना डिफ़िकल्ट नहीं था। और उसके सामने दो डॉग्स दिखाए गए थे, वो जो एरो लिया आदमी था एक्चुअली उसके सामने दो डॉग थे, टू स्पॉटेड डॉग्स थे। ऐसे लग रहा था इस पिक्चर से जैसे उन डॉग्स को ये ट्रेनिंग दी गई है कि जहाँ पे भी वो ट्रेन जा रहा है शिकार करने के लिए उससे आगे आगे वो जाए, और उस चेस में हैड एविडेंटली ट्रेन टू कीप टू हील टिल द एरोज वॉज डिस्चार्ज, उसका पीछा करते रहना जब तक कि वो तीर कमान चला न ले। दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर वॉज सिंपल, वो जो पार्ट था पिक्चर का वो एकदम सिंपल था। ऐसे महसूस हो रहा था कि वो दो डॉग उसको चेस किए हैं हिरन को, और पीछे से किसी ने तीर मार के उसको बारासिंगा को ख़त्म कर दिया है। इफ़ इंटरेस्टिंग, लेकिन एक चीज़ और थी, बट डिड द हंट्समैन सी, पर क्या ये उस शिकारी को दिखाई दे रहा था वो इंटरेस्टिंग चीज़, वो क्या था, वॉट निकोलस साओ, यहाँ पे निकोलस ने आखिर क्या देखा। निकोलस ने देखा दैट फोर गैलोपिंग वॉल्व्स वूल्स, गैलोपिंग मतलब तेज भागते हुए दौड़ते हुए कदमों से, वूल्स यानी लोमड़ी जैसे जानवर जो हैं, वर कमिंग इन हिज डायरेक्शन, चार ऐसे वूल जो हैं वो इसी डायरेक्शन में स्टैग के पीछे ही जंगल में पीछा कर रहे थे। देयर माइट बी मोर देन फोर ऑफ देम हिडन बिहाइंड द ट्रीज, एंड इन एनी केस वुड द मैन एंड हिज डॉग बी एबल टू कोप विद द फोर वुल्स इफ दे मेड एन अटैक। देयर वो निकोलस का सोचना था सिर्फ चार ही वुल्स नहीं होंगे, चार से भी कहीं ज़्यादा होंगे जो झाड़ियों में पीछे छिपे होंगे, तो क्या उस आदमी के लिए और उसके दो डॉग्स के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो उतने सारे चार वुल्स या बाकी और जो वुल्स हैं वो उन पर अटैक करें और वो उनसे निपट सकें। द मैन हैड ओनली टू एरोज लेफ्ट, और जो उसका तीर कमान के लिए जो तीर रखने का जो होता है दैट इज़ नोन एज द क्यूवर, उस क्यूवर में सिर्फ दो ही एरोज, दो ही तीर बचे हुए थे। एंड ही माइट मिस विथ वन आर बोथ ऑफ देम, हो सकता है कि अगर वो तीर चलाए तो किसी एक को लगे या फिर दोनों मिस भी हो जाए। ऑल वन न्यू अबाउट हिज स्किल इन शूटिंग वॉज दैट ही कुड हिट अ लार्ज स्टैग एट अ रिडिकुलस शॉर्ट रेंज, और जो उसने शिकार किया था
उससे यही समझ में आ रहा था कि जो वो है वो ज़्यादा स्किलफुल हंटर नहीं है। उसने जो शूटिंग किया था वो बस एक आध दो हिरन को ही मारने जैसी उसकी पोजीशन थी, और वो भी एकदम पास से। ये उसके पिक्चर से महसूस हो रहा था कि वो ही इज़ नॉट अ ग्रेट हंटर। जो उस फोटो में शिकारी बताया गया था वो कोई बहुत अच्छा शिकारी नहीं था। निकोलस सेट फॉर मैनी गोल्डन मिनट्स रिवॉल्विंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द सीन। निकोलस वहाँ बैठा रहा और काफ़ी अपने प्रेशियस गोल्डन मिनट्स, क्योंकि वो जिस जगह पे इंटर किया था वो उसके लिए बहुत अच्छी जगह थी, तो वहाँ के एक एक मिनट के लिए गोल्डन मिनट्स बोला गया है। वो वहाँ खड़े होकर आजू बाजू हर तरफ से उस सीन को देख रहा था और पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज इंक्लाइंड टू थिंक दैट द मैन एंड हिज डॉग वर इन अ टाइट कॉर्नर। वो कई तरह पॉसिबिलिटीज सोचा, उसने सोचा कि मैन और डॉग जो है कोने में रहेंगे या वगैरह। बट देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट। इसके बाद उसने उसको सोचना बंद किया, उसे और ऑब्जेक्ट पसंद आए। एंड इंटरेस्ट क्लेमिंग ऑफ हिज एंड इंस्टेंट अटेंशन, और बहुत जल्दी उन दूसरे ऑब्जेक्ट्स ने भी उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देर वेर क्वाइंट ट्विस्टेड कैंडल स्टिक्स। वहाँ पर बहुत पुराने फैशन की ट्विस्ट हुई टेढ़ी हुई कैंडल स्टिक्स थी, कैंडल जो है वो थी इन द शेप ऑफ द स्नेक, और उनका जो शेप था वो सांप के जैसा था। एक टी पॉट था फैशन लाइक अ चाइना डक। टी पॉट का जो शेप था वो चाइना डक के जैसा था। हाउ डल एंड शेपलेस द नर्सरी टी पॉट सीम्ड इन कंपेरिजन। क्या तो डल था, क्या तो शेपलेस था वो नर्सरी टी पॉट उसके कंपेरिजन में जो नर्सरी में वो लोग यूज़ करते थे या जो यूज़ करते थे। एंड देयर वॉज अ कार्व्ड सैंडलवुड बॉक्स। वहाँ पे एक चंदन की लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था और उस पर कार्विंग की थी, उस पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, बहुत सुंदर सी चीज़ें। टाइट विथ एरोमेटिक कॉटन वुल, और उसके अंदर एक बहुत अच्छी कॉटन वुल थी। एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द कॉटन वुल वर द लिटिल ब्रास फिगर्स हम्प नेक्ड बुल्स पीकॉक्स गोबलिन्स डिलाइटफुल टू सी एंड टू हैंडल। और उसके अंदर ब्रास एक टाइप का मेटल है, उसके जो है कई फिगर्स बने हुए थे, कोई फिगर्स यानी कई चीज़ें बनी हुई थी। जो ब्रास के बनी हुई चीज़ें थी उसमें हम्प नेक्ड बुल्स थे, पीकॉक्स थी, मोर थे, गॉबलिन्स थे, और उनको देखना और उसको हैंडल करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेस प्रॉमिसिंग इन अपीरियंस वॉज अ लार्ज स्क्वायर बुक। लेकिन ज्यादा और एक उसको बुक दिखा जो स्क्वायर बुक था विथ प्लेन ब्लैक कवर, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कवर लगा था। निकोलस पीप्ड इनटू इट। निकोलस ने उसको खोल के उसके अंदर झांका। एंड बी होल्ड, और उसने क्या देखा, इट वॉज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स। उसके अंदर अलग अलग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स थे, एंड सच बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो उन्होंने कभी गार्डन में भी नहीं देखे थे। इन द गार्डन इन द लेन्स व्हेन ही वेंट फॉर वॉकिंग, और कई तो ऐसे थे जो उसने देखे भी थे। निकोलस केम अक्रॉस फ्यू बर्ड्स, निकोलस ने कई बर्ड्स देखे, ऑफ विच द लार्जेस्ट वर एन ओकेशनल मैगपाई, उसमें से जो सबसे बड़ा था एक मैगपाई, अ वुड पिजन, हियर वर अ हेरॉन, हेरॉन भी एक बर्ड का नाम है, बस्टर्ड, काइट्स, ये सब बर्ड्स के नाम है, टोकन्स, एबिसिस, गोल्डन फीजेंट्स, अ होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ अनड्रीम्ड ऑफ क्रिएचर्स। अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स उसे वहाँ दिखाई दे रहे थे। एंड एज ही वॉज एडमायरिंग द कलरिंग एंड एज ही वॉज एडमायरिंग द कलरिंग ऑफ द मैंडरिन डक एंड असाइनिंग अ लाइफ हिस्ट्री टू इट, द वॉइस ऑफ हिज आंट शाउटिंग हिज नेम केम फ्रॉम द गूसबेरी गार्डन आउटसाइड। और जब वो सब बहुत पसंद कर रहा था, बहुत शौक से देख रहा था, उसे कलर ऑफ मैंडरिन डक भी बहुत पसंद आ रहा था, उसे लाइफ हिस्ट्री टू इट वो असाइन कर रहा था, उस बहुत कुछ सोच रहा था उसके बारे में, उसी वक्त उसे अपने आंट के जोर जोर से चिल्लाने का उसके नाम आवाज़ सुनाई दिया, और उसका जो आवाज़ था वो गूसबेरी गार्डन के बाहर से सुनाई दे रहा था। She had grown suspicious at his long disappearance and had the voice of his aunt shouting his name came from the gooseberry garden outside. She had grown suspicious as at his long disappearance and had leapt to the conclusion that he had climbed over the wall. वो जो है उसका शक बहुत बढ़ गया था आंट का, क्योंकि बहुत देर तक के निकोलस उसे दिखाई नहीं दिया था।
एंड उसने ये सोच लिया था कि वो ज़रूर जंप मार के कूद के, इस कंक्लूजन पे वो पहुंच गई थी कि उसने कूद के दीवार से, ओवर द वॉल से वो अंदर जा चुका होगा गार्डन में. शी वॉज नाउ एंगेज इन एनर्जेटिक रेदर होपलेस सर्च फॉर हिम अमंग द एंटी आर्टिचोक्स एंड रसबेरी केन. अब जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ धूप करके, एनर्जेटिक दौड़ लगा के और बिना किसी मतलब की होपलेस सर्च लगा के रखी उसने निकोलस की हर जगह पे, हर आर्टिचोक्स रसबेरी केन्स हर जगह पे वो निकोलस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया. निकोलस निकोलस शी स्क्रीम्ड, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, निकोलस निकोलस यू आर टू कम आउट ऑफ दिस एट वंस, इट्स तुमको अभी के अभी गूसबेरी गार्डन से बाहर निकलना है. इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू हाइड देयर, तुमको कोई मतलब नहीं है कि तुम वहाँ जाके छुपो. आई कैन सी यू ऑल द टाइम, और मैं हर वक्त तुम मेरी नज़र के सामने हो. इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम फॉर 20 years दैट एनीवन हैड स्माइल इन दैट लंबर रूम, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जो निकोलस जो है वो लंबर रूम में बैठ के स्माइल कर रहा था, और शायद ये 20 साल में पहली बार होगा कि लंबर रूम के अंदर जाके छुप के कोई इस तरीके से स्माइल कर रहा हो. Presently, the angry repetition of Nicholas' name gave way to shriek and a cry for somebody to come quickly. जो पहले गुस्से में आवाज़ें आ रही थी Nicholas, Nicholas, उसके बजाय अब आवाज़ का जो वे था वो एकदम बदल गया. अभी भी Nicholas ही आवाज़ लगाई जा रही थी, लेकिन अभी एक रुआसी सी आवाज़ थी, दर्द के मारे और जल्दी से मदद के लिए बुलाने वाली एक आवाज़ आने लगी. Nicholas shut the book. Nicholas ने एकदम से बुक को बंद कर दिया. Restored it carefully, उसने वापस रख दिया जिस जगह से उसने उठाया था, in a corner, and shook some dust from the neighboring pile of newspaper over it. और आजू बाजू में जो newspaper पड़े थे उधर से थोड़ी dust उठा के उनके ऊपर डाल दी, जैसे किसे पता न पड़े कि किसी ने उसको छुआ भी है. Then he crept from the room. फिर वो धीरे से रूम से बाहर निकल आया. Locked the door and replaced the key exactly where he had found. और उसने दरवाजे को लॉक किया और कीज़ को वापस वहीं रख दिया जहाँ से उसे मिली थी. His aunt was still calling his name. उसकी aunt जो है उसे अभी तक उस नाम से बुला रही थी. When he sauntered into the front garden, who's calling? He asked. जब आंट उसको ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी तो एक लीजरली वे में मज़े से झूमता हुआ वो फ्रंट गार्डन में निकोलस ने एंटर किया और बोलने लगा, कौन बुला रहा है मुझे? मी, केम द आंसर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल. मैं, ये दीवार के दूसरे तरफ से आवाज़ आया. डिडेंट यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू इन द गूसबेरी गार्डन, मैं तुम्हें गूसबेरी गार्डन में ढूंढ रही थी. एंड आई हैव स्लिप्ड इन द रेन वाटर टैंक, और ढूंढते ढूंढते मेरा पैर स्लिप हो गया इस रेन वाटर टैंक में. लकीली देयर वॉज नो वाटर इन इट, अच्छा हुआ कि उसके अंदर कुछ पानी नहीं था. बट द साइड्स आर स्लिपरी, लेकिन जो उसके साइड्स थे वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थे रेन वाटर के, एंड मैं उसमें जाके गिर गई और मैं वहाँ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ. फेच द लिटिल लैडर फ्रॉम द चेरी ट्री, जाओ और जल्दी से एक छोटी सी सीढ़ी लेके आओ जो कि चेरी ट्री के नीचे पड़ी है. आई वॉज टोल्ड आई वॉजंट टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन, सेड Nicholas promptly. मुझे ये बोला गया था कि मैं किसी भी कीमत पर गूसबेरी गार्डन में इंटर ना करूँ, Nicholas ने ये जवाब देते हुए कहा. आई टोल्ड यू नॉट टू, मैंने ही तुम्हें कहा था कि अंदर नहीं जाना. नाउ आई टेल यू दैट यू मे केम द यू मे, अब मैंने ही तुम्हें कहा था मत आओ, पर अभी मैं ही तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम आ सकते हो. Came the voice from the rainwater tank rather impatiently. और ये जो आवाज़ था वो rainwater tank में आ रहा था एकदम बेचैन होकर, एकदम परेशानी भरा आवाज़ था. Your voice doesn't sound like aunt's, objected Nicholas. Nicholas ने बोला, लेकिन तुम्हारा आवाज़ तो aunt के आवाज़ के जैसा नहीं लग रहा है. You may be the evil one tempting me to be disobedient. मुझे तो लग रहा है तुम कोई बुरी हो कुछ, जो मुझे गलत काम करने के लिए डिसोबीडियंट, किसी की आज्ञा नहीं मानने के लिए मजबूर कर रही हो, टेम्प्ट कर रही हो, आकर्षित कर रही हो. Aunt often tell me that.
The evil one tempts me and I always yield. This time I am not going to yield. जो आंट है वो मुझे हमेशा बोलती है कि कोई ना कोई इविल बुरी ताकत जो है वो तुमको हर बुरे काम के लिए अट्रैक्ट करती है, टेम्प्ट करती है, और मैं हमेशा उसकी बात सुनता हूँ, लेकिन इस बार मैं उस बुरी ताकत की आवाज़ नहीं सुनूंगा और मैं अपनी आंट को डिसोबे नहीं करूँगा. डोंट टॉक नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंस बातें, बिना मतलब की बातें मत करो. सेट द प्रिजनर इन द टैंक, और ये किसने कहा? आंट ने, जो कि एक प्रिजनर, एक कैदी बन चुकी थी टैंक के अंदर. गो एंड फैच द लेडर, जाओ और जाकर सीढ़ी लेके आओ. विल देयर बी द स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी, आस्क द निकोलस इनोसेंटली. अगर क्या आप मुझे बता सकती हो कि टी के टाइम पे, चाय के टाइम पे हमको स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा? निकोलस ने बहुत इनोसेंटली ये बात उससे पूछी, आंट से. सर्टनली देयर विल बी, सेट द आंट, प्राइवेटली रिजॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नन ऑफ इट. उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी जैम. आंट ने जवाब दिया और मन ही मन उसने क्या सोचा, प्राइवेटली रिजॉल्विंग यानी मन ही मन सोचा कि निकोलस को मैं कुछ भी नहीं दूंगी. नाउ आई नो दैट, नाउ आई नो दैट यू आर इविल वन एंड नॉट द आंट. मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम वो बुरी शक्ति हो, तुम आंट नहीं हो, शाउटेड निकोलस ग्लीफुली. निकोलस ने एकदम मजाक करते हुए और बहुत मजा लेते हुए उस सीन का ये बात कही. नाउ व्हेन ही आस्क्ड द आंट फॉर द स्ट्रॉबेरी जैम यस्टरडे, शी सेड देयर वाजंट एनी, क्योंकि उसने बोला मैं जानता हूँ जब हमने आंट से स्ट्रॉबेरी जैम के बारे में पूछा था उस दिन तो उन्होंने बोला था है ही नहीं, और आज तुम बोल रही हो कि तुम मेरे को स्ट्रॉबेरी जैम दोगी, मतलब तुम आंटी नहीं हो. आई नो देर आर फोर जार्स ऑफ इट इन द स्टोर कबर्ड बिकॉज आई लुक्ड एंड ऑफकोर्स यू नो इट इज़ देयर, बट शी डजेंट बिकॉज शी सेड देयर वॉजेंट एनी. उसने बोला आई नो, मैं जानता हूँ कि चार जार जो हैं भरे हुए स्टोर कबर्ड में, जहाँ पे स्टोर करते हैं चीज़ों के, वहाँ पे मैंने जैम के देखा हूँ, मैंने वहाँ देखा हूँ. एंड ऑफकोर्स यू नो इट इज़ देयर, और तुम भी ज़रूर जानती होगी कि वो वहाँ पे है. बट जो हमारी आंट है, शी यानी यहाँ पे आंट, आंट जो है वो नहीं जानती कि वहाँ पे कुछ हमारे पास स्ट्रॉबेरी जैम बची हुई है कि नहीं. ओ डेविल, यू हैव सोल्ड योर सेल्फ, उसने बोला कि तुमने तो खुद को फंसा दिया. एंड देयर वॉज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरी इन बींग एबल टू टॉक टू एन आंट as though one were talking to the evil one, but Nicholas knew with childish discernment that such luxuries were not to be overindulged in. यहाँ पे एक अजीब सा सेंस ऑफ लग्जरी यानी एक अनयूजुअल सा सेंस था, जिस तरीके से वो अपनी आंट से बात कर रहा था, पर आंट से वो इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि किसी बुरी आत्मा से बात कर रहा है. लेकिन निकोलस ये बात अच्छे से जानता था, ये जो उसके चाइल्डिश डिस्क्रिमेंट है, ये जो चाइल्डिश उसकी जो बातें हैं वो जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दैट सच लग्जरीज वुड नॉट बी ओवर इंडल्जड, उनको ऐसे इग्नोर नहीं किया जाएगा. ही वॉक्ड नॉइजीली अवे, उसने इस तरीके से बात करते हुए शोर मचाते हुए चला गया. और कुछ देर बाद वहाँ पे किचन मेड, किचन की जो सर्वेंट है वो आई इन सर्च ऑफ पार्सली, हु इवेंचुअली रेस्क्यूड द आंट, आंट को ढूंढने के लिए, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए वो आई, किसी काम से वहाँ आई और उसने आंट को बचाया. आंट की जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने उसकी मदद की और आंट को रेन वाटर टैंक से निकाला. टी दैट इवनिंग वॉज पार्ट टेकन ऑफ इन फियरसम साइलेंस. अब शाम हो चुकी थी, टी पर दी जा रही थी शाम के टाइम पे, लेकिन वहाँ पे एक डरावना शांति भरा माहौल था, साइलेंस पसरा हुआ था. द टाइड हैड बीन एट इट्स हाईएस्ट, लेकिन अंदर जो है, जो लहरें बोलते हैं, जो भूचाल जो बोलते हैं, अंदर जो तकलीफ है वो बहुत ज़ोर से चल रही थी. व्हेन द चिल्ड्रन हैड अराइव्ड एट जैक बरोस केव, जो बच्चे थे वो जैक बरोस केव को से वापस आ चुके थे. देयर हैड बीन नो सैंड टू प्ले ऑन, उस जगह पर कुछ भी रेत नहीं थी जिस पर बच्चे कुछ खेल पाएँ. A circumstance that the aunt had overlooked in the haste of organizing his her punitive expedition.
क्योंकि जो एंट ने ये जो एक्सपीडिशन किया था, ये घूमने के बारे में सोचा था, वो अचानक ही और बहुत जल्दी में सोचा था, तो उसने कुछ भी उस जगह के बारे में पता नहीं लगाया था। प्यूनिटिव एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि उसने ये जो एक्सपीडिशन किया था, जो बच्चों को घुमाने लेके गई थी, वो उनको घुमाने लेके जाने के बजाय निकोलस को पनिशमेंट देने के लिए किया था, इसलिए उसने ये सब जल्दी जल्दी में ऑर्गेनाइज किया था। द टाइटनेस ऑफ द बॉबीज बूट्स हैड डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन हिज टेम्पर द होल ऑफ द आफ्टरनून। जो उसके जो जूते थे बॉबी के, वो बहुत टाइट थे, जिसकी वजह से उसे भी बहुत तकलीफ हो गई थी पूरी आफ्टरनून। एंड ऑल टुगेदर चिल्ड्रन कुड नॉट हैव बीन सेट टू हैव एंजॉयड देमसेल्व। या सब मिल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों ने उस जगह पे कुछ भी इंजॉय नहीं किया। द आंट मेंटेन द फ्रोजन म्यूटनेस ऑफ वन हु हैज सफर्ड अनडिग्निफाइड अनमेरिटेड डिटेंशन इन अ रेन वाटर टैंक फॉर 35 मिनट्स। जो आंट थी वो भी एकदम म्यूट हो गई थी, चुप हो गई थी, एकदम फ्रोज थी, एकदम डरी हुई, थकी हुई सी थी, घबराई हुई, और जो क्योंकि उसने बिना मतलब के अनडिग्निफाइड अनमेरिटेड बिना किसी काम के एक रेन वाटर टैंक में 35 मिनट्स बिताए थे। एज़ फॉर निकोलस, अब निकोलस की बारी आती है, वो भी बहुत साइलेंट था, उसने तो बहुत इन्जॉय किया था, देन ऑल्सो ही वॉज साइलेंट। क्यों? क्योंकि इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वन हु हैज़ मच टू थिंक अबाउट, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें देखी थी कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आ रही थी, उसके पास बहुत कुछ सोचने के लिए था। इट वॉज जस्ट पॉसिबल ही कंसिडर्ड दैट द हंट्समैन वुड स्केप विथ हिज हॉर्न्स वाइल द वुल्व्स फीस्टेड ऑन द स्ट्रिकन स्टैग। और उसने उस पिक्चर के बारे में वो सोच रहा था, जिसमें उसने आखिरी पॉसिबिलिटी ये भी सोची कि जो शिकारी था वो अपने कुत्तों के साथ वहाँ से, हंट्स के साथ वहाँ से भाग गया होगा, और जो वुल्व्स है उनके पीछे जाने के बजाय जो वहाँ पे उन्होंने मारा था स्टैग, जो बारह सिंगा या एक हिरन को जो उन्होंने मारा था, उसका फीस्ट उन्होंने मनाया होगा, मज़े से बैठ के उसको खाया होगा। ये वो बातें उसके दिमाग में चल रही थी। इट वॉज रिटन बाय साकी, द ऑथर ऑफ लंबर रूम इज हेक्टर ह्यूज मोनरो। ये जो स्टोरी थी उसमें ये बोला गया है कि कैसे एक बच्चा जो है उसने मस्ती में ही अपनी बॉसी आंटी को ठीक करने की या उसके व्यवहार के उसको परेशान किया, उसने एक अपने अजीब से दिमाग को यूज़ करके, विट को यूज़ करके।